हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम आप सबको बताएंगे यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं। प्रोफेशनल थंबनेल बनाकर आप सबको बताएंगे इस वीडियो में। पूरा देखिएगा वीडियो को तो ही समझ आएगा। दोस्तों मैं जानता हूँ मेरा वीडियो बहुत लंबा होता है, लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए तो ही समझ आएगा दोस्तों कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल थंबनेल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देरी नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिए। तो अब आप सबको यूट्यूब का थंबनेल बनाकर बताते हैं कैसे बनता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पिक्सल ऐप दिखाई दे रहा है आप सबको, ये वाला। हम इस पर क्लिक करेंगे, पिक्सल ऐप पर ओपन कर देते हैं, इसको चालू कर दिए। उसके बाद न्यू टेस्ट लिखा हुआ है ये वाला दोस्तों, हम इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद बताते हैं, यहाँ पर डब्बा दिखाई दे रहा है आप सबको ऊपर में, यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो डिलीट हो चुका दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर फाइल पर, दो फाइल जैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इमेज लिखा हुआ है, इमेज ये वाला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ से कोई सा भी अपना बैकग्राउंड ले सकते हैं, तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो हम ये वाला रख लेते हैं, ये वाला हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ से साइन कर देंगे, हो गया है। उसके बाद हम थ्री डॉट दिखाई दे रहा है आप सबको, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है इमेज साइज लिखा हुआ है दोस्तों, कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर है दोस्तों। इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद कस्टम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है, देख लीजिए वाला यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद इसको ओके कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, हो गया दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर फोटो लगाएंगे, ठीक है, फोटो लगा देते हैं। नहीं तो दोस्तों और डिजाइन बता देते हैं आप सबको, डिजाइनिंग बनाना है तो हम बता देते हैं, ठीक है, कैसे बनाना है आप सबको, डिजाइन करना है इस बैकग्राउंड में, कैसे और डिजाइन बनाना है, बैकग्राउंड लगाना है आप सबको बता देते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद उसके लिए आप सबको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, बीच वाला पर क्लिक कीजिए आप लोग, बीच वाला पर क्लिक कर देते हैं। बीच वाला क्लिक करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तीन फाइल जैसा दिखाई दे रहा है आप सबको, वहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए ये वाला आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको बड़ा कर देंगे, हो गया दोस्तों। उसके बाद हम इधर ऐसे तिरछा कर देंगे, तिरछा कर दिए दोस्तों, अपना यहाँ लगा लीजिए बीच में, कैसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इधर करेंगे, साइड में करेंगे, साइड में कर दिए दोस्तों। उसके बाद ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑन कर दिए। यहाँ से कोई सा भी अपना कलर ले लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए दिखाई देने के लिए, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, कोई सा भी अपना ले लीजिए, तो हम यही रख लेते हैं, तो आप सबको बताते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, ओके हो चुका दोस्तों। उसके बाद अपना इधर आइए, इधर आने के बाद ये वाला पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद इसको भी ऑन कर दीजिए, ऑन हो चुका दोस्तों। इसको फुल कर दीजिए, नहीं तो हाफ रहने दीजिए, फुल कर देते हम, इसको साइड नहीं करेंगे, तो इसी तरह रहने देते। उसके बाद हम कोई सा भी कलर पहले कर लेते हैं, ये रहने देते कलर, ठीक है। उसके बाद हम ओके कर दिए, ओके करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको भी ऑन कर देंगे हम, ऑन कर दिए दोस्तों। उसके बाद इसको भी फुल करेंगे, ठीक है, फुल कर दिए। फुल करने के बाद इसको भी हम ओके कर दिए, ओके हो चुका दोस्तों। इसको कलर बनाना, इसको थोड़ा बड़ा करना है हमको, तो बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल बड़ा हो चुका दोस्तों, देख लीजिए इस तरह का हो गया है चारों तरफ। उसके बाद सबसे लास्ट में ये वाला है, ये वाला, इसको हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम ऑन करेंगे, इसका बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए बनने कैसे बनना है, ऐसे आप सबको बता देते हैं। और उसके बाद ये ओके कर दिए, ओके हो चुका दोस्तों, हम इसको बता देते हैं आप सबको, छोटा करते हैं इसको। छोटा करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, ये हो चुका है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मतलब इसी तरह का बनता है, इस तरह बना दीजिएगा, हो गया है। इधर का एक बैकग्राउंड हो चुका है। और उसके बाद फिर से हम ऊपर में क्लिक करेंगे, डबल फाइल दिखाई दे रहा है आप सबको वाला, इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम ताला मार देंगे, ठीक है। ताला मारने के बाद हटा दीजिए, हो गया दोस्तों। उसके बाद एक और बैकग्राउंड लगाना है हमको, तो इसमें फिर से क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद उसके बाद फिर से बीच वाला क्लिक कीजिए। बीच में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से कोई सा भी अपना ले सकते हैं फोन, ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई सा भी अपना मर्जी का, तो हम ये वाला लेते हैं दोस्तों, दिखाई दे रहा है ये वाला ले लिए, देख लीजिए। उसके बाद हम ओके कर दिए, ओके करने के बाद यहाँ पे कलर करेंगे इसको, ये वाला पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको भी ऑन कर देंगे, यहाँ से भी कोई सा भी कलर लेके इसको बड़ा कर देते हैं, हो गया दोस्तों। उसके बाद हम इसको भी साइन कर दिए, साइन करने के बाद जैसे उस टाइम किए थे उसी तरह को कीजिएगा, इसको भी सारे को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, अपना फुल कर लीजिएगा, इसको भी कर देते हैं, हो गया दोस्तों। उसके बाद ये वाला देख लीजिए, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं अपना, चेंज उन्ज हर चीज़ कर सकते हैं, हो गया है, ये बन गया है, देख लीजिए, देखने में थोड़ा बढ़िया लगेगा, देखने में बढ़िया लगता है इस तरह का।
देख लीजिए, अब कॉपीराइट भी नहीं आएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं आएगा, कॉपीराइट का इशू कुछ भी नहीं है इसमें, ये खुद से बना रहे हैं हम। तो आ उसके बाद यहाँ पे ताला मार देंगे, ठीक है। ताला मारने के बाद यहाँ पे हम इसको हटा दिए, हटाने के बाद हो गया दोस्तों उसमें। अब फोटो सेट करेंगे इसमें, ठीक है। फोटो सेट करने के बाद तो बता देते हैं, फोटो सेट करके तो यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको फोटो सेट करने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ से हम कोई सा भी ले लेंगे फ़ोटो, तो ये वाला ले लेते हैं, इसको पलट देंगे इधर, ये वाला पलटना आप सबको, तो यहाँ से पलट दीजिएगा, बस हो गया। उसके बाद ओके कर दिए, यहाँ से देख लीजिए दोस्तों किस तरह का लग रहा है दिखने में। यहाँ से आप लोग फ़ोटो को कुछ करना चाहते हैं, इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, साइड में जो रहता है कलर रहता है वो लगाना चाहते हैं, तो फोटो पर फिर दोबारा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इधर जाइए आपस, आपस जाने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, वाइट हो गया, गुलाबी हो गया, अपना कोई सा भी कलर कर लीजिएगा। तो हम बताते हैं आप सबको, हम ये कलर रहने देते हैं, इसको एक नंबर कर दिए, हो गया दोस्तों। उसके बाद हम ओके कर देंगे इसको, उसके बाद हम ये ताला मार देंगे फ़ोटो को भी, ठीक है। ताला मार दिए, हो गया है, देख लीजिए। अब यहाँ पर अपना कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे, आप सबको बताने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं दोस्तों, हो गया, देख लीजिए। उसके बाद हम ए पर क्लिक करेंगे, ए लिखा हुआ है वाला, तो ए पर क्लिक कर देते हैं, अपना टाइटल लिख लेते हैं जो भी लिखना है थंबनेल में। तो अब देख लीजिए यहाँ पर टेस्ट लिखा हुआ है, प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आप सबको, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको एडिट पर क्लिक करना है हमको, एडिट पर क्लिक कर दे दोस्तों। उसके बाद जो भी लिखना है हमको लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया दोस्तों, देख लीजिए लिख लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, तो देख लीजिए हो गया है। उसके बाद हम कलर करेंगे, इधर आइए अपना, इधर आ चुके हैं। उसके बाद ये वाला कलर लिखा हुआ है वाला, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से अपना कोई सा भी कलर लगा लेते हैं, तो रेड कलर रहने देते हैं। उसके बाद हम इसको साइन कर देंगे, हो गया है। उसके बाद फंड सेलेक्ट करना है हमको, फंड कोई सा भी लगा लेते हैं, ए भी लिखा हुआ है फंड, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना कोई सा भी फंड ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं अपना बनाए हुए हैं पहले से, वो रख लेते हैं, डिजाइन का है, तो कोई सा भी अपना बना लीजिएगा, देख लीजिए ये वाला ले लिए हम। उसके बाद ए भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, और बी स्टाइल ही लिखा हुआ है, तो बी दिखाई दे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यू लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यू लिखा हुआ है, यू क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये बढ़िया हो जाता है दोस्तों, देख लीजिए बहुत बढ़िया लगता है दिखने में, इसलिए हम बी यू लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम हो गया है, ये वाला क्लिक करेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर देंगे, ऑन हो चुका दोस्तों। यहाँ से अपना कोई सा भी कलर ले लीजिए, यहाँ से हम कोई सा भी ले लेते हैं, ब्लैक या वाइट कुछ भी ले लेंगे हम दोस्तों। उसके बाद हम साइन कर देंगे इसको, यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे वाला, ये वाला है दूसरा नंबर। उसके बाद ऑन कर देंगे हम, ऑन करने के बाद यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। यहाँ से कोई सा भी अपना कलर सेलेक्ट करते हैं, तो इसको ओपन कर देते हैं हम, हो गया। उसके बाद कोई सा सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं आप सबको बता देते हैं, बस यही रहने दोस्तों, यही बढ़िया लग रहा है हमको दिखने में। तो उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद 3D बनाना चाहते हैं 3D बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं अपना, इस तरह भी बना सकते हैं, तो हम ये सुनने बनाएंगे आप सबको बताया थे, अपना कुछ भी बना सकते बढ़िया से, देख लीजिए दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। अब दूसरा लाइन लिखना है हमको दोस्तों, एडिट पे जाते हैं अपना, एडिट पे चलने जाने के बाद अपना लिख लेते हैं, हो चुका दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अपना कलर्स कोई सा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से वही हम बना कर रहे हैं, कोई सा भी कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना। तो हम कर लिए हैं, फंड सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, हो चुका दोस्तों, हो गया। उसके बाद हम यहाँ बी है, बी है, इसको बी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वाला क्लिक कर, यू यू पर क्लिक करने के बाद ओके, ओके करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको भी ऑन कर देंगे, ऑन हो चुका दोस्तों। यहाँ से भी अपना कोई सा भी ले लेते हैं कलर, तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। उसके बाद हम साइन कर देंगे, साइन करने के बाद ये तो दूसरा नंबर वाला, इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी ऑन कर देंगे, हो गया दोस्तों। उसके बाद नीचे आकर इसको भी ऑन करना है हमको, ऑन हो चुका है। उसके बाद हम रेड लगा लेते हैं, कोई सा भी रेड लगाएंगे तो थोड़ा बढ़िया भी लगेगा दिखने में, देख लीजिए, हो गया दोस्तों। उसके बाद हम साइन कर दिए, साइन हो चुका है। अब 3D भी करना चाहते थे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ 3D है, ये 3D कर दिए हैं। उसके बाद उसके ऊपर वाला भी कर देंगे 3D, ठीक है। उसके बाद ये हम ऑन कर देंगे, ओके हो चुका दोस्तों, देख लीजिए उसको भी कर देते हैं 3D पर क्लिक करके, ये 3D लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, इसको भी ऑन कर देंगे, हो चुका दोस्तों। उसके भी इसको हम साइन कर देंगे, हो गया है, देख लीजिए इस तरह का है, देखने में लग रहा है इस तरह का लग रहा है। अब फिर से तीसरा टाइटल लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला लिखा हुआ है ए तो लिखा हुआ है, आप टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एडिट पे, हो गया दोस्तों, अब लिख लेते हैं, हो चुका दोस्तों, देख लीजिए लिंक ऐड, इसको भी हम कलर कर देंगे। फिर दोबारा हम उसी तरह क्लिक होता है कलर दोस्तों, ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, अपना
बस खाली एकदम आप सब जान जाइएगा, बस ये इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बढ़िया अच्छी तरह से आ जाएगा आप सबको समझ कैसे होता है। कोई गलत हो जाए हमसे तो सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं, इसको यू क्लिक कर देते हैं, हो गया है। उसके बाद हम यहाँ फिर से क्लिक करेंगे वाला ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद ओके, ओके करने के बाद फिर दूसरे नंबर में ए वाला इसको भी ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको भी ऑन हो गया दोस्तों, अपना 3D बनाएंगे इसको, 3D कर देते हैं, हो गया है। इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा, देख लीजिए दोस्तों ऐड हो चुका है। उसके बाद लास्ट में लास्ट ऑफ टाइटल लिखना है हमको, क्या लिखना है आप सबको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट टेस्ट पर क्लिक करते हैं, फिर से एडिट पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए सब लिख दिए हैं, यहाँ पे एक और फोटो लगाएंगे, चैनल ऐड करने वाला ऐड किया हुआ है वो उसका फोटो लगाएंगे, तो बीच वाला पे क्लिक कीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ले लेते हैं अपना स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, कहाँ गया, ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा, देख लीजिए, चाहिए नहीं ये नहीं है दोस्तों, गलत हो चुका है। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे अपना गैलरी में, उसके बाद ये ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यही वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लीजिए लगा देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं बढ़िया से, हो जाएगा, हो गया। उसके बाद पहले हम ताला मार देंगे इसको, ठीक है, ताला मार देते हैं। ताला मारने के बाद इसको हम ये वाला छोटा कर लेते, थोड़ा छोटा कर लिया है उसको, इसको भी तो साइड में कर देंगे, हो गया दोस्तों। इसको भी सॉरी तो कट गया है, कोई बात नहीं, फिर से ले आते हैं, हो गया दोस्तों। आप देख लीजिए पूरा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको 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 ऊपर करना है हमको, तो ए पर क्लिक करेंगे। ए पर क्लिक करने के बाद ये वाला लिखा हुआ देख लीजिए, टू फ्रंट लिखा हुआ था, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे, देख लीजिए ये वाला हो गया। इसको भी इसी तरह करना है हमको, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हो चुका, ठीक है। आ इसको भी यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाला लिखा हुआ है, सबको ऊपर कर देना, ठीक है दोस्तों, हो गया है, फ्रंट कर देना है, सबको नीचे कर देते हैं। अब ऊपर में किसी का काम नहीं है अब हमको, हो गया है, ये वाला ऐड कर लिए, हो गया दोस्तों। उसके बाद हम इसको ताला मार देंगे, सारे को ताला मार दिए हैं। ताला मारने के बाद दोस्तों अब देखा है, तीर लगाना है यहाँ पर, तीर लगाना है हमको, तीर यहाँ तीर लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, बीच वाला पे, बीच वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीर दिखाई दे रहा है आप सबको, ये वाला यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए तीर आ चुका है, तो इसको बड़ा कर देंगे हम इस तरह, कर दिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, हो गया। और कलर करना है दोस्तों, तो नीचे आइए बिल्कुल, यहाँ से अपना कोई सा कलर सेलेक्ट कर लो, हम ये वाला रहने देते हैं, हो चुका दोस्तों। उसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है, और इसको छोटा कर देंगे हम, हो चुका दोस्तों छोटा। उसके बाद यहाँ पर लगा देते चैनल पे, हो गया है, देख लीजिए अपने यूट्यूब चैनल में दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कैसे करें, ठीक है। तो हो गया है, बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों, बढ़िया से बना दिया, देख लीजिए। और एक और चीज़ लिखना है, हमने लिखे हैं 2022 नहीं लिखे हैं, 2022 लिख देते हैं इसमें, इसी तरह आप लोग बना सकते हैं, 2022 लिख देते हैं अपना, हो गया दोस्तों। इसको भी कलर कर देंगे अपना, कोई सा भी फ्रंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपना, हो गया है, फाइनल हो चुका है दोस्तों, रेडी हो चुका है वाला, देख लीजिए दोस्तों किस तरह का हो गया है, बढ़िया लग रहा है दिखने में भी। इसको कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसको कलर हम चेंज कर देंगे फिर से, चेंज करने के बाद अब देख रहे हैं अब बढ़िया लग रहा है, वाइट कर दिए हैं तो थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे। इसको पहले तला मार देंगे, पहले दोनों को तला मारने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम तो बड़ा करना है हमको, तो बड़ा कर देते हैं,
हो गया दोस्तों। उसके बाद इसको भी करना है 12 12, इसको भी कर देंगे, 12 हो चुका है, इसको तला मार देंगे। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों कितना बढ़िया हो गया है, लिखा हुआ 2022। अपने यूट्यूब चैनल में दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कैसे करें, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया हो गया है, इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। सेव करना है आप सबको, तो सेव यहाँ से ऊपर जाइए, ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एएस इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेव टू गैलरी लिखा हुआ है, क्लिक कर दिए। उसके बाद ये सेव हो जाएगा दोस्तों, हो गया सेव। दिखा देते हैं आप सबको गैलरी में चल के, यहाँ पे है देख लीजिए। हो गया है दोस्तों, देख लीजिए यही वाला थंबनेल बनाए हैं आप सबके सामने। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कैसे बनता है प्रोफेशनल थंबनेल, कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा भी अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।